हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग जो ह्यूमन आई पढ़े थे तो ह्यूमन आई के पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन आपको लिखवाएंगे और समझाएंगे भी, समझा तो पिछले लेक्चर में दिए थे। तो ये वाला जो वीडियो है तभी समझ में आएगा जब आप पिछला लेक्चर देखिएगा, ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन। ठीक है, पार्ट्स के कुछ नाम लिखे हुए हैं, देखिए। पहला नाम है आयरिस। आयरिस का काम क्या होता है? तो आयरिस प्रोवाइड कलर टू द आई। बताए थे पिछले लेक्चर में कि आयरिस क्या करता है, आई बॉल का जो कलर होता है उस कलर का जो डिटरमिनेशन वो कौन करता है? आयरिस करता है। ठीक है, जिसका कलर अगर ब्राउन रहेगा, ब्लैक रहेगा या ग्रीन भी रहता है किसी किसी का कलर आई का, तो कलर किसके कारण आता है? वो आयरिस के कारण आता है, क्योंकि आयरिस में क्या होता है, कलर पिगमेंट होता है। ठीक है, एक चीज और इसमें जोड़ सकते हैं कि इट हैव कलर पिगमेंट्स, ये हो गया। सेकंड देखिए, पीपल। पीपल क्या था? तो ये अगर आपका ये आई है और ये आई बॉल है, तो ये आयरिस यहीं पर होता है, ये सब आयरिस होता है इसमें। तो आयरिस का जो ये ओपनिंग होता है इसी को बोलते हैं पीपल। तो ये जो पीपल है, ये पीपल क्या करता था? बताए थे कि जितना भी लाइट जाएगा वो लाइट के रे को कंट्रोल करता था, कितना लाइट अंदर आंख के अंदर जाना चाहिए, मतलब एक तरह से ब्राइटनेस को कंट्रोल करता था। मतलब ज्यादा लाइट अगर चाहिए तो पीपल का जो साइज है, ये पीपल का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। जब अंधेरा में ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ता है तो ये पीपल का साइज होता है वो बड़ा होता है, इसको बोलते हैं पीपल। और जब डे टाइम में ज्यादा रोशनी का जरूरत नहीं होता है तो पीपल का साइज छोटा हो जाता है। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि इट इज द ओपनिंग ऑफ आयरिस, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रे पासिंग इनटू द आई। ये क्या कंट्रोल करता है? कितना लाइट आंख के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डे एंड नाइट टाइम, डे और दिन और रात के टाइम के अनुसार पीपल का साइज कभी छोटा हो जाता है, डे टाइम में छोटा हो जाता है और नाइट टाइम में बड़ा हो जाता है, रिस्पेक्टिवली लिख दीजिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट पार्ट का नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या था? एक्वस ह्यूमर क्या था? एक्वस ह्यूमर क्या है? वाटरली लिक्विड है, फ्लूइड है, तरल पदार्थ है। वो कहां होता था? तो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता था, बीच में होगा। और उसमें क्या रहता है? उसमें रहता है 99% वाटर और 1% जो होता है बाकी का विटामिन और प्रोटीन वगैरह होते हैं उसमें। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर्स इन दिस रीजन। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहां अकर होता है? इसी रीजन में होता है। तो ये इसके पार्ट्स का नाम हो गया। आगे और भी पार्ट्स का नाम है, इसको आप लोग नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे पार्ट्स का नाम लिखेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट करें, हो गया? ओके। नेक्स्ट पार्ट का नाम है लेंस। लेंस का काम क्या है? तो लेंस क्या होता है?
इट इज अ जेली लाइक क्रिस्टल. ये जेली लाइक क्रिस्टल. इट इज अ जेली लाइक क्रिस्टल हैविंग कन्वेक्स नेचर या कन्वर्जिंग नेचर बोल सकते हैं इसको. कन्वर्जिंग नेचर कन्वर्जिंग नेचर का ये होता है. ठीक है, मतलब पूरा ग्लास को बना नहीं रहता. जैसे हमारे जो चश्मा का जो लेंस होता है, ऑप्टिक्स का लेंस होता है, वो लेंस होता है ग्लास को बना रहता है. ग्लास थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता है, ये आपका जेली लाइक होता है. ठीक है, तो जेली लाइक इसलिए होता है क्योंकि ये जो है अपना शेप को छोटा बड़ा कर सकता है. ठीक है, वो छोटा बड़ा क्यों करता है उसको बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई, उसके बारे में भी लिखवाएंगे. तो जेली लाइक क्रिस्टल होता है जो कि क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है. कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स लेंस. जो हमारा जो लेंस होता है आंख का, वो कैसा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है. तो ये हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, रेटिना. रेटिना क्या था, स्क्रीन था. लिख सकते हैं इट इज अ स्क्रीन वेयर इमेज इज फॉर्म्ड. इमेज इज फॉर्म्ड, ये जस्ट लाइक अ स्क्रीन है. इस स्क्रीन पे क्या होता है, इमेज बनता है. और ये जो रेटिना होता है वो लाइट सेंसिटिव नर्व से बना रहता है. लाइट सेंसिटिव नर्व से बना रहता है. उसमें जो नर्व्स होते हैं वो होते हैं रॉड्स और कोन्स. ठीक है, तो उसका भी अलग अलग प्रोसेस है. जैसे रॉड्स और कोन होता है, दो चीज यहां पर है, रॉड्स और कोन्स. तो रॉड्स और कोन का अलग अलग काम होता है. एक होता है रॉड. रॉड मतलब क्या होता है, उसमें जो ऑप्टिक्स जो होते हैं, उसमें जो टिश्यूज होते हैं, उसका नाम है रॉड. तो वो क्या करता है, वो ब्राइटनेस कंट्रोल करता है वहां पे, कि वहां पर कितना लाइट गया हुआ है. और एक कोन होता है, वो कलर के बारे में बताता है. कि जैसे हर ऑब्जेक्ट का कलर अलग अलग होता है, तो किस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है वो कौन बताता है, वहां पर जो होता है कोन्स. तो ये दोनों कहां पाए जाते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं रेटिना में. ओके, तो इसको लिखते हैं, इसमें क्या क्या रहता है. इट इज अ स्क्रीन वेयर इमेज इज फॉर्म्ड डी रेटिना इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव मटेरियल या नर्व्स बोल सकते हैं. ठीक है, उसी का यहां पर नाम है रॉड्स एंड कोन्स. ठीक है, तो ये होता है वहां पर. और क्या होता है वहां पर, ऑप्टिक नर्व्स होते हैं लास्ट में. ऑप्टिक नर्व्स कैसे होते हैं, तो वहां पर जो आपका इमेज बनता है वो इमेज ब्रेन कैसे पड़ता है, तो वहां ऑप्टिक नर्व्स में क्या होता है, आपका जो इमेज बनता है वो इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो ब्रेन तक पहुंचाया जाता है. अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रीड करता है ब्रेन, और वो भी पता चलता है कि क्या सामने रखा हुआ है. तो ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, ये बस कन्वर्ट करता है इमेज को. इट कन्वर्ट्स द इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड ट्रांसमिट the information into brain to the brain. ये होता है इसका, कि it converts the image into electrical signal.
और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन कहाँ करता है, ब्रेन में करता है, हमारा ब्रेन उसको रीड करता है। तो ये इसका काम है। क्या क्या सीखे अभी? लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, दो तीन फंक्शंस और हैं उसको भी देखेंगे, पहले इसको लिखिए आप लोग, वीडियो को चलिए पॉज करिए और लिखिए। ओके चल, ओके, नेक्स्ट पार्ट्स का नाम लिखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वो सिलरी मसल है। सिलरी मसल्स क्या होते थे बताए थे? सिलरी मसल क्या करते हैं कि कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट दूर भी होता है, नजदीक भी होता है, तो वो नजदीक और दूर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके कारण क्या होता है कि आपका जो आई है, अगर ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट दूर है तो आई जो लेंस होगा, लेंस फुली रिलैक्स हो जाएगा। तो सिलरी मसल क्या करता है, लेंस को होल्ड करके रखता है। अब वो लेंस को जब होल्ड करके रखेगा तो क्या होगा उससे कि एक तो लेंस को होल्ड करके रखा है, ऊपर से लेंस को वो दबाता भी है और लेंस को रिलैक्स भी करता है। मतलब इस तरह से अगर लेंस दबा भी सकता है और लेंस को ऐसे रिलैक्स भी कर सकता है, तो वो लेंस का फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो आपका लेंस फुल्ली रिलैक्स रहेगा, अब फुल्ली रिलैक्स रहेगा तो लेंस को ऐसे बिना दबाए हुए रखेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट अगर बहुत नज़दीक है तो लेंस क्या हो जाएगा, लेंस थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा क्योंकि लेंस पे प्रेशर पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है? सिलरी मसल करता है, और इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, इसको लिखते हैं। पहला सिलरी मसल का काम क्या है? लेंस को फिक्स करके रखना अपनी जगह पे। इट फिक्सेस द लेंस एट इट्स पोजीशन, पोजीशन पे फिक्स करके इसको रखता है। नेक्स्ट काम क्या है उसका? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फार पॉइंट देन द लेंस इज फुल्ली रिलैक्स्ड और दूसरी बात है व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर बाय या नियर पॉइंट, इज एट नियर पॉइंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट नियर पॉइंट देन लेंस इज highly compressed this is called accommodation of eye this is done by ciliary muscle ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन सिलरी मसल का है, जो कि क्या करता है, लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट भी करता है और दूर या ज्यादा, नजदीक या दूर के चीजों को देखने में काम आता है। क्या क्या लिखा है? जब ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे, फार पॉइंट मतलब क्या हुआ, जहां तक हम देख सकें उसको बोलते हैं फार पॉइंट।
तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर भी है तो आपका लेंस क्या होगा, फुल्ली रिलैक्स रहेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे, मतलब सबसे नज़दीक का ऐसा दूरी जहाँ तक आपका आई देख सके, उसके बाद से आई नहीं देख पाएगा, ठीक है, वो दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको लिखवा देंगे। तो जब ऑब्जेक्ट अगर बहुत नज़दीक है तो फिर लेंस क्या करेगा, लेंस फुल्ली हाईली कंप्रेस हो जाता है, लेंस पूरा दबा देता है। तो ये दबाना और रिलैक्स करना का काम कौन करके देता है, सिलरी मसल करके देता है। तो सिलरी मसल के ये फंक्शन को क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सिलरी मसल के बारे में एक हो गया, इसको लिखिए, फिर एक दो फंक्शंस और हैं उसको लिख लेंगे, और फिर ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसको मिटा देता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। जो हेल्दी आदमी होता है, जो नॉर्मल पर्सनल, तो नॉर्मल पर्सन जो होता है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन उनके होते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है, छोटे या बूढ़े आदमी की बात नहीं कर रहा है, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होते हैं, नॉर्मल, उनका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सबसे नज़दीक का दूरी, उससे नज़दीक अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, मतलब कि सबसे नज़दीक अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक अगर ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो वो आई उसको देख नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर। एक चीज और बताना है, जो हमारा जो आई का जो आई बॉल था इस तरह से, इस तरह था, इसको थोड़ा सही तरह बनाते हैं, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, यहां पर आपका ये सिलरी मसल्स रहता है और यहां पर रहता है आपका ये रेटिना होता है। तो ये रेटिना है और ये लेंस है। तो जब भी इमेज बनेगा कहां बनेगा, यहां पर बनेगा रेटिना पे। तो रेटिना और लेंस के बीच का जो दूरी होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है। तो 2.5 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस होता है लेंस और रेटिना के बीच का, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर क्या है, आई और ऑब्जेक्ट के, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट से ये आई का दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो ये लीस्ट डिस्टेंस है डी। इससे नजदीक अगर ऑब्जेक्ट रखिएगा तो ऑब्जेक्ट को आई देख ही नहीं पाएगा। तो नॉर्मल ह्यूमन के लिए ये इतना होता है, ठीक है, ये दो बात हो गया। इसको लिख लीजिए और इसके साथ एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आई पे न्यूमेरिकल एक आ जाता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ओके, चलिए। तो ऑलमोस्ट सारा पार्ट्स का फंक्शंस और सबका नाम, सबका काम सब देख लिए, लिख भी लिए, ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो ये ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल यहां पर देखते हैं, ओके,
दिया हुआ इस तरह से, कैलकुलेट द पावर ऑफ आई लेंस ऑफ नॉर्मल आई व्हेन इट इज फोकस्ड, व्हेन इट इज फोकस्ड एट पहला फार पॉइंट और दूसरा नियर पॉइंट। बस कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? क्या बोला है कि आई जो लेंस हमारा है वो लेंस कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का पावर बताइए। तो पावर निकलेगा कैसे? पावर निकलेगा जब हम फोकल लेंथ का वैल्यू याद निकाल पाएंगे तभी निकलेगा। तो फोकल लेंथ निकालने बोल रहा है एक्चुअली आपको पहले। तो पावर ऑफ आई निकालिए कब? जब अब आपका आई फार पॉइंट पर रखा है, मतलब आपका आई कहां फोकस्ड है? फार पॉइंट पे फोकस है। फार पॉइंट पे फोकस मतलब कि हम कहां देख रहे हैं? हम देख रहे हैं फार पॉइंट पे। फार पॉइंट मतलब इंफिनिटी, जहां तक देख पाएंगे वो क्या है? सबसे ज्यादा दूरी तक देख पाएंगे वो क्या है? इन्फिनिटी है। तो एक्चुअली पहला जो केस है वो इन्फिनिटी वाला केस है। तो यहां पर पावर कैसे निकलेगा? अच्छा ये देखिए, हमारा ये आई है और ये लेंस है। ये दूरी कितना होता है अभी बताएं? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया वी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हो गया जहां पर इमेज बनता है। इमेज कहां पे बनता है? यहां रेटिना पे बनता है। तो लेंस से इमेज बनने की दूरी को क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। तो वी आपका अढ़ाई है। यहां क्वेश्चन ने बोला नहीं था लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि लेंस और रेटिना के बीच में जो दूरी होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। और ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो यू कितना है? इन्फिनिटी। बस हो गया। लेंस के बाद क्या? लेंस फॉर्मूला लगाइए। लेंस फॉर्मूला पे वीडियो किए हुए हम लोग, 1/v - 1/u = 1/a। ये फॉर्मूला होता है लेंस का। वी कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। और यहां पर देखिए यू तो यहां पर इंफिनिटी है और 1/f, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज जीरो। तो ये आ गया 1/2.5 = 1/f। 1/f इज व्हाट? पावर। तो पावर कितना आ गया? 1/2.5। अभी सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, पावर डायोप्टर में रखना है। तो U भी जो या जो ये फोकस है, फोकस किस में रखना है? मीटर में रखना है। तो इसको 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। तो ये पॉइंट ऊपर गया, तो ये 25 से काटिए, 25 से ये 4 बार में 40, ओके, पावर इज कमिंग 40 डायोप्टर। दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज प्लस 40। वाई? कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा तो पावर भी पॉजिटिव आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, P = 40 डायोप्टर। नेक्स्ट पार्ट है नियर पॉइंट का, ओके, इसको नोट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट इसका पार्ट है नियर पॉइंट का। नियर पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट, और नियर पॉइंट कहां होता है? D = 25 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है? मतलब बहुत नजदीक है। नजदीक मतलब 25 सेंटीमीटर दूर है, इतना ही नजदीक हो सकता है। उससे नजदीक होगा तो ऑब्जेक्ट तो देख ही नहीं पाएगा हमारा आई। तो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा आई, तो 25 सेंटीमीटर पर रख दिए। लीजिए ये लेंस है, यहां पर 25 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो ये एक्चुअली क्या, ये मेरा यू है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये दूरी कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, ये सब न्यूमेरिकल ही पूछ देगा एक दो नंबर का। अब लगाइए 1/v - 1/u = 1/f, फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए 2.5 - 25 = 1/f।
ठीक है 2.5 और 25 कैल्शियम लीजिएगा, पॉइंट ऊपर लेकर 10 ले लेते हैं, नीचे ऊपर ले लेते हैं, 25 और 25 कैल्शियम 25, 10 में से एक गया तो 9, ये आ गया 1/f। अब ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, इसी को पावर बोलते हैं, तो हमारे पास पावर कितना आ गया 9/25। अब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कीजिए, ये कितना आ गया 9 5 25 4 9 4 36, ओके 36 डायोप्टर प्लस में, इसे कितना आ गया प्लस 36 डायोप्टर। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है दोनों, कि जब आपका आई जो है फार पॉइंट पर रहता है और जब आपका आई जो है नियर पॉइंट पर रहता है। बहुत लोग सोच ही नहीं पाते कि ह्यूमन आई से न्यूमेरिकल भी आता है, आ सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और ये इतना आपका काफी, इससे ज्यादा वैरायटी देगा नहीं कहीं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर में हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ आई बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा भले हो गया है, लेकिन पेशेंसली इसको देखना है आपको, तभी एक एक चीज आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।